भीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरिया के ग्राम कुदरी सरा में राकेश मरावी के नेतृत्व में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें सर्रा एवं गुदरी के समस्त आदिवासी समाज के लोगों ने भव्य आदिवासी दिवस मनाए और दूर दराज से आए हुए लोगों ने कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की बच्चियों ने नृत्य कला और गोंडवाना गीत और भाषण इत्यादि पेश किए। दूर दराज से आए हुए हमारे मुख्य अतिथियों ने गीत भाषण सुनाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस के आदिवासी दबंग नेता राकेश मरावी और समीर हुसैन और जलाल सिंह और सोमनाथ झारिया एवं दर्शन सिंह, जगत सिंह, राजेंद्र सिंह, कैलाश सिंह, मुकेश सिंह, पंजाब सिंह, बलराम सिंह, राजेंद्र सिंह, महेश सिंह, कमलेश सिंह, सुशील सिंह, मूलचंद सिंह, विशाल सिंह एवं समस्त ग्रामवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी जय जोहार, जय विश्व आदिवासी दिवस। हमारे पड़ोसी गांव भी के कुछ सगा समाज आए हैं, जैसे कि कटारिया से हैं, कुछ हमारे गत वर्ष से चला आ रहा, इस वर्ष भी ग्राम कुदरी सर्रा में विश्व आदिवासी दिवस से मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि पिछले बार जो हमने विश्व आदिवासी दिवस से जगत सिंह कुर्चो जी के यहाँ कार्यक्रम रखा था, मुश्किल से 20-25 लोग थे और इस वर्ष 2021 में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस से जो कार्यक्रम स्थल ग्राम कुदरी सर्रा में जो आयोजित कार्य चल रहा है, आज यहाँ मेरे को करीबन 200-300 पब्लिक देखने को मिली। बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदिवासी समाज के बीच जागरूकता आ रहा है, संस्कारें आ रहे हैं और प्रेरणा आ रहे हैं और प्रेरणा से हमको सीख भी मिलती है कि हमारे आदिवासी प्रति जो पिछड़े वर्ग हैं और जो अनजान है, जो अपने कार्य सीमा से पिछले हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी सगा समाज जो कि आगे आ रहा है सबके बीच, मुझे बहुत खुशी की बात है कि इसी तरह अगले वर्ष जैसे फर्स्ट में 25-30 लोग रहे, चलो सर्रा कुदरी के लोग रहे, इस बार हमारे पड़ोसी गांव भी के कुछ सगा समाज आए हैं, जैसे कि कटारिया से हैं, कुछ हमारे अतिथि भाईजान लोग भी हैं और बैगम हनुमा छार उमर पानी तरई तिलगड़ा कटरिया और सिरनपुरी से भी लोग आए हैं। इसी तरह अगले वर्ष भी भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा कुदरी ग्राम में, सर्रा ग्राम में, इसी तरह इससे भी अधिक अधिक जनसंख्या में आकर के पिछले वर्ष भी कार्यक्रम को समापन कराए। और जैसे कि हमने इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम रखने के लिए बनाया था सिस्टम, तो सुनने में आया है कि राज्य सरकार 124 धारा लागू है पूरे मध्य प्रदेश में और मैंने SDM के पास भी गया था, तहसीलदार के पास भी गया था और PI मैडम से भी मुलाकात किया, तो हम लोगों को
परमिशन न मिलने के कारण से 20-50 लोगों को परमिशन मिला तो भव्य कार्यक्रम नहीं हो पाया। अगर ईश्वर की कृपा रहेगी स्टूडियो बड़ा